नहाकर बिल्कुल फ्री हुई हूँ, नहाकर ही नहीं, नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा कर लिया है, सिर्फ मैंने हेयर ब्रश नहीं किया है अभी, इससे आपको लग रहा हो कि मैं नहाकर ही आई हूँ, नहीं अभी नहाए हुए मुझे हाफ एन आवर हो गए, और मैंने टॉवल रैप करके रखा था, तो अभी मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा हेयर ड्राई हो जाता तभी मैं कॉम करती हूँ, अब ये गुड है या बैड मुझे नहीं मालूम। और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 11:15 हो रहा है, हम रात को काफ़ी लेट सोए थे, जितने लेट आए थे शूट से तो हम काफ़ी लेट हो गए थे सोने में, मैं 2:30 या 3 बजे में सोई हूँ, तो इसलिए काफ़ी लेट उठे हैं, 9:00 उठी हूँ और जितने 10:30 उठे हैं सोकर, तो अभी वो नहावा रहे। और इसके बाद ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, मैंने दलिया बनाया है, दूध वाला दलिया, हेल्दी होता है, बीच बीच में अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो दूध का दलिया बना लो, अच्छा लगता है, खाना चाहिए, तो मैंने आज दलिया बनाया है ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर, तो अभी मैं दलिया खाऊंगी। और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, ये देखो दलिया, दलिया के बारे में बोलूँ तो ये काफ़ी हेल्दी होता है, और इसकी वैल्यू मैं पहले नहीं समझती थी, मुझे मतलब पहले दलिया पसंद भी नहीं था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि खाना चाहिए, अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप एटलीस्ट दलिया खाओ, और बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए दलिया, तो आप भी ट्राई करना, और अगर किसी को दलिया बनाना नहीं आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी कि दलिया बनाते कैसे हैं। दो तरीके के दलिया बनते हैं, वेजिटेबल दलिया और दूध वाले दलिया, तो आप अगर आपको पूछना होगा तो दोनों ही मैं बता दूँगी। फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, और अभी इतने ही सारे कपड़े और धुल रहे हैं, सोचो कितने कपड़े निकल जाते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं, कभी कभी बहुत इरिटेट होती हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल देना बहुत इजी है, चलो धुल गया, उसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक है, बट कपड़ों को डालना और फिर उसके बाद फोल्ड करके जगह जगह पर रखना, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है मेरा, लेकिन क्या करूँ, अभी फोल्ड तो करना ही पड़ेगा और कपड़े गंदे हुए तो धोना भी पड़ेगा। चलो पहले ये मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, आज लंच तो बन गया है मेरा, आज जैसा मैंने बताया था आपको कि काले छोले, आज के दिन मैं सैटरडे को मोस्टली काले छोले बनाती हूँ, तो खाना वाना बन गया है तो इसका टेंशन नहीं है, सिर्फ लंच देना है सबको। फिलहाल मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Thank you.
आज का लंच चपाती, राइस, थोड़ी सी सूखी हुई चने और ये तरी वाले चने। तो चलो मैं लंच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और सबको मैंने खाना खिला दिया है। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं रेस्ट करके भी उठ गई हूँ क्योंकि 6:00 से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले मैं जो थोड़े मोड़े काम रहेंगे उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो जो कपड़े मैं बाहर ले गई थी कुछ नए, वो अभी धोए मैंने, तो वो कपड़े डालने हैं अभी और उसके बाद एक कप चाय पीनी है, उसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट होगा। तो फिलहाल चलो मैं ज़रा कपड़े डाल लूँ तो सूख जाएंगे और क्या बोलूँ कि लगता है कुछ कपड़ों में कलर लग गया है और मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो जितिन के टी शर्ट्स हैं और पता नहीं किस चीज़ का कलर लगा है, लेकिन मैंने उसको फिर से डाल दिया है आला में, लेकिन पता नहीं वो कलर जाएगा या नहीं। चलो पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, एक कहते हैं ना बाल ठीक करने के लिए टाइम नहीं है। और अभी क्लास स्टार्ट होने में मेरा 10 मिनट्स बचा है, 10 मिनट्स के बाद कंटिन्यू 8:15 तक क्लास है, कंटिन्यू क्लास चलेगा। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीने के बाद थोड़ा सा खुद को ठीक कर लेती हूँ। स्टूडेंट आने वाले हैं, कहेंगे मैडम तो खुद अजीब सी लगती है, तो खुद को तैयार करना ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ा सा फेस वेस साफ करूँगी, खुद को तैयार करूँगी, फिर जाकर क्लास स्टार्ट होगी। और अब क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गया है और अभी 8:30 हो रहे हैं। मैंने बोला नहीं, अब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगी वरना मैं खुली हवा में मुझे सांस लेना है, तो मैं नीचे जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 10-15 मिनट्स के लिए जा रही हूँ, लेकिन अब मैं नीचे जाऊँगी फिर आऊँगी, फिर कुछ डिनर का मैं करने वाली हूँ क्योंकि सुबह से आप देख ही रहे हो कि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। अभी 2 घंटे मैंने क्लास ली है 1 by 1, पहले मैंने 6 to 7 लिया, फिर 7 to 8:30, क्योंकि किसी को भी जाने में थोड़ा टाइम हो जाता है, 8:00 का है तो 8:30-8:15 तक ही होता है कम्प्लीट। तो अभी मैंने क्लास कम्प्लीट किया, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा जीविका को भी 2 मिनट में खेलने के लिए दूँ और मैं भी। तो चलो मैं फिर आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। सारे काम होने के बाद मैं कर रही हूँ डिनर। डिनर में है रोटी और मसाले वाली दाल और ऑमलेट। तो अब मैं डिनर करूँगी और उसके बाद आज ज़्यादा कुछ लंबा नहीं खींचने वाली मैं,
व्लॉग को, अब इसी व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूंगी। तो पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर व्लॉग एंड करूँगी। अभी गाड़ी में हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक कार में क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं, जीविका को आइसक्रीम खिलाने आए थे। अचानक जीविका जिद करने लगी अपने पापा को कि उसको आइसक्रीम खाना है, तो फिर जितिन ने कहा नीचे आ जाओ, वो कहीं गए थे, तो इसको बस आइसक्रीम देकर और फिर मैं घर जा रही हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो सबको शेयर करो और कमेंट जरूर करो। बाय बाय।